और आज जो हमारा कार्य साथी हमसे गरीबी की वजह से, जो हमारी गुर्बत की वजह से वो हमसे हमारा साथ छोड़कर इस दुनिया से चला गया, मैं उनके लिए तमाम साथियों से अपील करता हूं कि 2 मिनट का मौन रखें ताकि उसकी आत्मा को भी शांति मिले। देखें 22 तारीख को हमारा वहाँ दिबका में हम अपना आक्रोश जाहिर करेंगे ताकि गवर्नमेंट को थोड़ा सा, जो सोई हुई गवर्नमेंट है, क्योंकि हमारे दिबका साहब ने जो कमेटी बनाई थी वो कह रहे थे 10 तारीख को रिपोर्ट देंगे, लेकिन आज तक उसकी भी रिपोर्ट नहीं आई। हम वही अभी भी हम खामोशी के साथ बैठे हुए हैं, लेकिन कल हम आपको अपना गुस्सा वहाँ जाहिर करेंगे। आप देख रहे हैं पार्लियामेंट असेंबली में, बस दिल्ली में देखो, सुधीर साहब ने क्लियर कट बता दिया कि जम्मू कश्मीर में डेली वेजर त्राही त्राही कर रहा, जहां हर चौराहे पर डेली वेजर की आवाज गूंज रही है, लेकिन जो बीजेपी की गवर्नमेंट है उसको जो सुनाई नहीं दे रहा, वहां एक एनसी का एमपी आवाज दे रहा है, लेकिन बीजेपी के 2 MP जहां खामोश बैठे हुए हैं। हम चाहते हैं एलजी साहब कुछ ना जल्दी से जल्दी हमारी 64 के तहत पॉलिसी लॉन्च कीजिए ताकि हमारा भी जीवन इस सफल हो सके। जय हिंद।